करनाल के थाना सिटी से और हम आपको बताएं करनाल पुलिस ने एक बड़ी लूट की वारदात को कुछ ही दिनों में सुलझा लिया। और हम आपको बता दें कि हमने कुछ ही दिन पहले आपको दिखाया था कि 5 जून को करनाल के नमस्ते चौक के पास किस तरह से गन पॉइंट पर एक जो रेत और बजरी का काम करते थे, गरोंडा में काम करते थे, उनकी किस तरह से एक कैप्चर गाड़ी जो रेनॉल्ट कंपनी की थी उसको लूटकर लुटेरे फरार हो गए थे। उन तीनों लुटेरों को एक बाइक और 2 अवैध पिस्तौल के साथ जो है बरामद कर लिया है, उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया। जो भी खबर इस देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। और समय हमारे साथ थाना सिटी प्रभारी इंस्पेक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे सर क्या कुछ बताना चाहेंगे। 5 जून को जो ये लूट की वारदात होती है उसको ट्रेस आउट कर लिया गया है, क्या कुछ पूरा मामला था और क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे। देखिए 5 तारीख को रात करीब 9:15 बजे नमस्ते चौक से गाड़ी जो कि गन पॉइंट पर लूट ली गई थी, जो कि उसी टाइम पुलिस को जैसे ही कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी से कार्य करते हुए उसी में उसका पीछा किया। तो वो उनको जैसे पता लगा कि पुलिस टीम पीछा कर रही है तो वो गाड़ी छोड़कर भाग गए थे। गाड़ी हमने उस टाइम अपना राउंड अप कर ली थी, बट उस उन जो कुलप्रीत से उनको ढूंढते हुए कि उसको पुलिस उस दिन से लगातार कार्य कर रही, जो एसपी साहब की दिशा निर्देश अनुसार हमने टीम बनाकर भेजी हुई थी जिसमें हमें एक गुप्त सूचना मिली। उस सूचना के अकॉर्डिंग हमने एक जगह रेड की तो हमें 3 लड़के मिले हैं जिन्होंने ये कबूल किया है कि ये हमने ये वारदात की है। इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सी वारदातें कबूल की है जो कि अभी कल अरेस्ट किए थे, आज कोर्ट में पेश किए हैं और रिमांड पर हैं। और अभी उन्होंने 8 से 9 वारदातें कबूल की हैं जो कि सभी वारदातें करीब वो गन पॉइंट पर करते थे। ये लगभग 2017 से लगातार वारदातें करते आ रहे हैं और कोई जिसमें जिस मोटरसाइकिल पर बाइक पर वो पकड़े गए हैं वो भी थाना सिविल लाइन की एक स्नैचिंग की बाइक है जो कि गन पॉइंट पर थी। और उसके अलावा और बहुत सी वारदातें उन्होंने कबूल की है, ऐसे अभी पूछताछ की जाएगी, रिमांड के अकॉर्डिंग वो किया जाएगा। तो ये आपने देखा कि बड़ी कामयाबी हासिल हुई है गन पॉइंट पर, 8 से 9 बड़ी लूट की वारदातों को अंजाम दिया हुआ था, ना सिर्फ करनाल बल्कि आसपास के जिलों में भी जो है इन्होंने कहीं ना कहीं वारदात को अंजाम दिया था। विशेष तौर पर हाईवे पर यह इस वारदातों को अंजाम देते थे और आ देते थे कि तीनों शातिर लुटेरे पकड़े गए हैं, उनके पास से अवैध पिस्तौल और एक छीनी गई जो बाइक है वो भी बरामद कर लिया। सर क्या कुछ इनसे बरामद हुआ है और क्या कुछ आगामी कार्रवाई की जाएगी? इनसे एक तो बाइक जिस पर ये आए थे जिन्होंने जब इन्होंने वारदात को अंजाम दिया है जो कि वो भी एक लूट की बाइक थी, उसके अलावा 2 देसी कट्टे उनके कब्जा से बरामद हुए हैं और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं और एक वो कैप्चर गाड़ी थी, बाकी अभी रिमांड पर है, लेंगे और इसके बाद ये सभी बरामदगी की जाएगी। तो ये आप इस समय बड़ी खबर देख रहे थे, करनाल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई और थाना सिटी टीम ने किस तरह से एक बड़ी लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले एक वांटेड गैंग को पकड़ा है जिनके पास हम आपको बताएं कि 8 से 9 बड़ी लूट की वारदातें इन्होंने सभी वारदातें गन पॉइंट पर की थी। और हमने आपको 5 जून को बताया था कि किस तरह से नमस्ते चौक पर जो है एक रेनॉल्ट कंपनी की कैप्चर गाड़ी को छीना था, गन पॉइंट पर ये बाइक सवार 4 लुटेरे आए और किस तरह से गाड़ी को लूटकर फरार हो गए थे। गनीमत यह रही कि जो व्यापारी था उनको जो है गोली नहीं मारी थी क्योंकि वो व्यापारी खुद नीचे उतरे हुए थे, लेकिन गन पॉइंट पर उनसे गाड़ी छीनकर फरार हो गए थे। एक बड़े गैंग को करनाल पुलिस ने पकड़ा जिनके पास से कई बड़ी वारदातों का खुलासा हो सकता है। तो ये लाइव तस्वीरें समय आप देख रहे थे करनाल के थाना सिटी से और हम चाहेंगे जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। 5 जून की बात है कि रात को करीब 9:15 बजे नमस्ते चौक पर एक कैप्चर गाड़ी स्नैच हुई थी जो कि जिसमें 3 से 4 लड़के बताए गए थे जो कि जिन्होंने गन पॉइंट पर वो गाड़ी छीनकर ले गए थे। क्योंकि उसी रात जैसे ही सूचना प्राप्त हुई थी हमारी पुलिस मुस्तैदी से काम करती हुई उस गाड़ी का पीछा किया तो जो उस रात वो जो डकैती करके जो ले गए थे वो लड़के उन्हें असंध के पास वो गाड़ी छोड़कर भाग गए थे पुलिस की टीम को देखकर, जो कि गाड़ी उस दिन बरामद कर ली गई थी और उनकी उसी टीम उसी तरह कार्रवाई करती हुई टीम उनकी खोज में अभी कल इनको कुछ सूचना प्राप्त हुई जिसके आधार पर इन्होंने लड़कों को पकड़ा है जिन्होंने इस वारदात को कबूल किया है। ये जो 3 लड़के उनमें से पकड़े गए हैं जिनके पास से कुछ देसी कट्टे बरामद हुए हैं, कुछ राउंड बरामद हुए हैं और वो गाड़ी और उसके कुछ पेपर्स वगैरह और उसके अलावा जिस बाइक से वो पकड़े गए हैं वो भी बाइक पहले हमारे यहाँ गन पॉइंट पर लूट हुई है जो कि सिविल लाइन थाना का वो एरिया था। और उसके अलावा इनसे कल से प्रीमली पूछताछ जो हुई है एसपी साहब के दिशा निर्देश अनुसार जैसे टीम कार्य करती रही और इन्हें पकड़कर इनसे पूछताछ की, इन्होंने उनमें 8 से 9 वारदातें कबूली हैं जो कि अपने आप में बहुत बड़ी वारदातें, सभी वारदातें ऑलमोस्ट गन पॉइंट की हैं और उनमें से कुछ लूट की है, कुछ डकैती की है और कुछ स्नैचिंग की है जो अभी इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद रिमांड लिया जाएगा फिर बारीकी से पूछताछ की जाएगी। ये
असला अपने पास रखते थे गन पॉइंट पर, जैसे ही कोई गाड़ी रुकी या कोई ब्रेक के लिए या वॉशरूम या किसी काम के लिए स्टे करता था तो उसी टाइम उसको पकड़ के गन पॉइंट पर उसको दिखाकर उसे चाबी लेकर गाड़ी भगा लेते थे। इस पे अभी 3 लड़कों को अरेस्ट किया गया है जिसमें और भी कुछ लड़कों के नाम आए हैं और कुछ वो खुलेगा रिमांड के बाद, जैसे जितने लड़के खुलेंगे सभी को इकट्ठा करेंगे। हाँ, पहले भी इनके ऊपर करीब जो इन्होंने हमारी प्राइमरी पूछताछ से बताया है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 7 से 8 मुकदमे दर्ज है और सभी में तकरीबन लूट है या सभी गन पॉइंट पे हुए हैं। बिल्कुल, इनको अरेस्ट कर लिया गया है, कोर्ट में पेश किया जाएगा, इनका रिमांड लिया जाएगा, गैंता से पूछताछ की जाएगी बारीकी से, सभी चीज़ें और असला सब कुछ बरामद किया जाएगा। आसपास अपना असंत साइड या इधर करोंडा के पास के हैं जो भी रिसेंटली, इन्होंने इससे पहले एक वारदात अभी हमारा गोरोंडा में मुकदमा दर्ज हुआ 370/19 इसी साल का है जिसमें इन्होंने I-20 गाड़ी की उसे लूटने की कोशिश की थी, वो भाग गया था, उस पर फायर भी किया था पर वो गोली लगने से बच गया था। इनसे अभी फिलहाल एक पहले जो गाड़ी अभी कैप्चर गाड़ी उस दिन वो बरामद हुई थी और उसके अलावा एक मोटरसाइकिल बरामद हुआ और 2 देसी कट्टे बरामद हुए हैं। अभी रिमांड लिया जाएगा, सभी वारदातें जिन्होंने इन्हें मोटरसाइकिल लूट कर रखी है, मोबाइल कर रखे हैं, कुछ दुकानों में लूट कर रखी है पैसे लूट, सभी कुछ बरामद किया। आओ जी, आओ जी, दे सकते हैं, बहुत बढ़िया पिक्चर जो है ये वो काफ़ी सभी से करना के आस पास अंजाम देता था और आगे जैसे तरीके से पिक्चर जो थोड़ी पिक्चर पिक्चर बरामद की गई।